खबरों में हदम सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। और जय हिंद जय भारत, एक बार फिर कमलेश मिश्रा हाजिर है आपके साथ एक नई खबर के साथ। फिलहाल हूं मैं निवास थाने पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी हैं। एक छोटा सा मीडिया के सामने जो है बयान और साथ में गाली, और उसके बाद फिर से एक बयान कि भाई ये नॉर्मल बोल चाल की भाषा है, मेरे साथ जो है ढेर सारे कांग्रेसी बात करने के लिए। और अभी तक जो है जिले में 3 जगह जो है इनके पुतले फूके गए हैं, फग्गन सिंह खुलस्ते के, और इसके आगे की क्या रणनीति है, कब तक पुतले फूके जाएंगे इनके लगातार, कब यह कांग्रेसियों का आक्रोश खत्म होगा। जो कमलनाथ के प्रति अपशब्द कहे गए हैं, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, बात करने के लिए जो है निकनेम पायलट है इनका, जितेन पायलट जी, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक फग्गन सिंह जी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, जिस प्रकार लगातार वो कभी किसानों को, कभी मजदूरों को, और अब हमारे जनप्रतिनिधि सम्माननीय विधायक जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को सम्माननीय कमलनाथ जी को लगातार अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जब तक कुलस्ते जी माफी नहीं मांगेगा। अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, कहते हैं ना ये अभी अंगड़ाई है, अभी तो असली लड़ाई बाकी है। इसका जवाब हम देंगे उनको 2024 में, 2023 में देंगे। अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं, अभी रपटा जाएंगे, अभी हम उनके घर का घेराव करेंगे यहाँ से, पूरे नवाज से मैं यूथ कांग्रेस के साथ ही कार्यकर्ता, हम विधायक जी के सम्मान के साथ में खड़े हैं, हम कमलनाथ जी के सम्मान के साथ में खड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सम्मान के साथ में खड़े हैं। और जब तक कुलस्ते जी माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। विकास की बात करूँ, 30 साल हो गए सांसद बने हुए, निवास से ही है, चलो मंडला पे ना हुआ हो, बिछिया पे ना हुआ हो, निवास का कितना विकास करवा पाए आपके? मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि हमारी MPRDC की अगर ये रोड ना बनी होती तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी के यहाँ की रपटा की पुलिया नहीं बन पाई। अब फग्गन सिंह जी ने 30 साल में इतना विकास किया, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो 30 साल में जो है क्या विकास किया हमको जो है इनने बताया, क्या कब तक करते रहेंगे आप लोग ये पुतला फूंकना, घसीटना, पुलिस प्रशासन लगता है? जनता जागरूक नहीं हो पाई इस लोकसभा की, विधानसभा की, इस क्षेत्र की, ऐसे ही भोगते चले जाएंगे। इधर की जनता को चाहिए ना, भाजपा जनप्रतिनिधि उनको, भाजपा जो कार्यकर्ता है उनको भी चाहिए कि इनको अब बदल दिए जाए, इन्हीं को चाहिए, इनकी पार्टी के लोगों को चाहिए कि बदल दे, कोई मतलब नहीं इनका रहने का। तो मंडला जिले से आवाज उठने लगी है कि अब कुलस्ते जी को बदल देना चाहिए, और इनके जो पार्टी के जो खुद कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो खुद इनको बदलें, क्योंकि मंडला का विकास नहीं हो पा रहा है। कितना विकास हो पाया है आपके निवास का या मंडला जिले का? अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके मतलब पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद में भी आपने हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर पाया। तो इतने लंबे समय के कार्यकाल के बाद भी जो है कुछ हो नहीं पाया मंडला का विकास, 30 सालों से जो है फग्गन सिंह कुलस्ते जो है यहाँ से सांसद है, नेताजी क्या बोलना चाहेंगे, कैसे होगा मंडला का विकास? जब ऐसे कुलस्ते जी जैसे नेता रहेंगे तो विकास की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। अध्यक्ष जी भी हैं मेरे साथ में, अध्यक्ष जी आज आपने पुनः जो है फग्गन सिंह कुलस्ते जी का पुतला फूंका है, क्या बोलना चाहेंगे, कब तक पुतले फूंकते रहेंगे? निरंतर सतत प्रक्रिया में रहेगा, जब तक जिस प्रकार से उन्होंने जो बयानबाजी की है सार्वजनिक रूप से, उसी तरह सार्वजनिक रूप से आकर के जब तक वो माफी नहीं मांग लेते, उनके जो पुतले हैं हम गली गली चौराहे चौराहे जीतते रहेंगे, और उनके मुर्दाबाद हम करते रहेंगे, काले झंडे दिखाते रहेंगे। कुलस्ते जी को यह एहसास होना चाहिए कि आम जनता की भावनाओं से खेलने का क्या अर्थ होता है, किसी को गाली बक देना इतना आसान नहीं है। ये चेतावनी भरे लहजे में हम फिर बोलते हैं कि गली गली चौराहे चौराहे उनके पुतले जलाए जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि ये बोलचाल की भाषा है और ऐसा मंडला में बोलते हैं, हम भी मंडला के हैं हालांकि ये भाषा का प्रयोग हम भी नहीं करते हैं। क्या बोलचाल की भाषा है जो अपशब्द उन्होंने यूज किया है?
देखिए ये मुझे लगता है 60 साल के ऊपर के तो हो गए हैं, और 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को हम गाली घर में बकते हैं कि बाहर बकते हैं कि माइक पे बकते हैं, ये अगर कोई सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि वे अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी उनसे गलती से निकल गई हो तो सार्वजनिक रूप से एक बात बोल देते, हम तो उनसे उनमें वैसे भी छोटे हैं, हम ये उससे बात को स्वीकार करते, लेकिन उन्होंने स्वीकारा तो नहीं, ऊपर से उसको घर की बोलचाल की भाषा बताए, उनके घर में बोलते होंगे, हमारे घर में तो नहीं बोलते ना, हमारे जिले में ऐसा नहीं बोलते हैं। कि उनकी ये ओछी सोच उनकी तो है, पर मंडला उनसे ग्रसित हो गया है, मंडला प्रताड़ित हो गया है, और उनकी यही की वजह से, उनकी छोटी सोच की वजह से मंडला विकास के जो पायदान है, जहाँ पर अग्रणी होना चाहिए था, वो पीछे है। उनको विकास की सोच पर काम करना चाहिए, ना कि ये छोटी छोटी बातों पर कोई कमेंट करे, कोई बात करे। सर तीन चार यहाँ मैंने खुद देख लिया है, पुतले कूटे जा रहे हैं, कब तक ये काम चलता रहेगा? जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, तब तक पुलिस जब तक FIR नहीं करती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है, एक जनप्रतिनिधि के लिए, हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे नेता कमलनाथ जी के लिए है, तब तक उनके अगेंस्ट हम ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये कांग्रेसियों का आक्रोश है, उनका कहना है जब तक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेसी लगातार जो है उनके पुतले फूंकते रहेंगे, रोडों में घसीटते रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rewaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।